Yo boys and girls, welcome back to Sherry Boy's YouTube channel. क्या हाल है आप लोगों के? Wow, day two and Sherry Boy is still uploading vlogs. He's trying to stay consistent. That's crazy. खैर, सुबह के 11 बजे में and we are about to hit the gym. कल था push day, आज है pull day. और yeah, we're gonna hit pull probably at C3 Fitness because कल हम try fit गए थे. तो we're gonna try and change things up. कभी कभार लाइफ में चेंज भी चाहिए होता है. हमेशा वही मोनोटोनस रूटीन अगर फॉलो करते रहेंगे, यू विल इवेंचुअली गेट बोर्ड एंड यू विल वांट टू किल योरसेल्फ. मजाक कर रहा हूं. ऐसे क्विक शाउट आउट टू आयरन गियर फॉर सेंडिंग मी दिस शर्ट. दिस इज कॉल्ड द हरक्यूलिस टी आई बिलीव एंड वी आर गोना पेयर इट विद दिस. वोहो, होपफुली दैट ट्रांजिशन वाज नाइस. बट खैर, दिस इज द SFG ओवरसाइज टी फ्रॉम आयरन गियर फिटनेस एंड या फिट्स प्रीटी वेल, लुक्स प्रीटी डैम गुड. हे यू, क्या आप भी चाहते हैं कि आपके इस तरह के प्यारे प्यारे जिम के कपड़े हों ताकि आप भी प्यारे लगें, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है? आई मीन हैं, लेकिन कम होंगे. तो घबराइए मत, आप लोग अभी जाइए आयरन गेट फिटनेस के पेज पे और ये कोड यूज करिए SHERRY, शेरी, दैट्स मी, हाय शेरी. तो ये कोड यूज करें और आपको मिलेगा 10% ऑफ आपके परचेज पे. तो जाइए, अपना डिस्काउंट अवेल कीजिए और वेयर सम कूल क्लोथ्स एंड go and look swagger in the gym, yo, so that you can get all the gym girls. Just joking, aisa bilkul nahi hota. Gym mein kabhi kisi ladki ko approach nahi karna. Also shout out to Leverage, they have really amazing chains and jewelry. So yeah, Leverage, now let's hit the gym. तो जी, एज आई एम ऑन माई वे टू द जिम, मैंने कहा क्यों ना थोड़े से कार टॉक्स कर लें सैम सुलक की तरह, द पाकिस्तानी सैम सुलक. खैर, अब तो बाल कट गए हमारे, हम सैम सुलक नहीं रहे. बट खैर, मैंने कहा क्यों ना एक क्वेश्चन आप लोगों का एड्रेस कर लें जो कि यूजली मुझे DM से मिलता है, विच इज रिगार्डिंग ऑब्वियसली वेट लॉस. लॉट ऑफ पीपल टेल मी कि शेरी भाई, हम लोग 3 से 4 घंटे जिम करते हैं हर दिन लगातार, 2 से 3 महीने से करते आ रहे हैं एंड वी आर सीइंग नो रिजल्ट्स, हमारा वेट नहीं गिर रहा. तो देन आज दिन देर डाइट की, वॉट आर यू ईटिंग? देर लाइक कि हाँ ब्रो, हम लाइक 3 रोटियां खाते हैं सुबह, रात को बर्गर खाते हैं. तो अगर आप खुद लॉजिकली सोचें यार, इफ़ यू गाइज आर नॉट कंट्रोलिंग योर डाइट, हाउ आर यू गोइंग टू सी रिजल्ट्स? सिर्फ जिम जाने से आप लोग अपना वेट लूज नहीं कर सकते. दैट इज़ अ मिसकंसेप्शन, स्पेशली ऑफ द पीपल इन पाकिस्तान, कि अगर आप जो मर्जी आपको खाने आप खाएं, बस आप इंटेंस वर्कआउट करते हैं. ऐसा नहीं है. यू ऑलवेज हैव टू बी इन अ कैलोरी डेफिसिट अलॉन्ग विद गोइंग टू द जिम एंड डूइंग इंटेंस वर्कआउट. दैट्स गोइंग टू हेल्प यू लूज वेट. मैं तो खैर काफी डम तरीका यूज किया था. आई वॉज ईटिंग लाइक 500 कैलोरीज एंड आई वॉज डूइंग इंटेंस ट्रेनिंग विच इज नॉट रिकमेंडेड एट ऑल, जिसकी वजह से मुझे काफी वीकनेस हुई थी, मसल भी काफी लूज हुआ था. तो इट इज रिकमेंडेड कि अराउंड 1000 to 1500 कैलोरीज आप लोग खाएं और उसके साथ साथ इंटेंस वर्कआउट करें, तो दैट्स हाउ यू गोना सी रिजल्ट्स. ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी का खाना खाएं बट आप जिम करते रहें. आप बेशक 5 से 6 घंटा भी जिम करते रहें, फर्क नहीं पड़ेगा. आपकी हड्डियां बढ़िया टूट जाएंगी बट आपके फिटनेस जर्नी में कोई इजाफा नहीं होगा. तो दैट इज समथिंग आई वांट टू एड्रेस, कि डाइट ऑनेस्टली प्लेज आई वुड से 70% इंपॉर्टेंस इन लूजिंग वेट. सो या, डाइट इज 70%, बाकी वर्कआउट प्लेज 30% ऑफ द रोल. So that is something I just wanted to address. Eat clean. I mean, if you don't even eat clean, but just count your calories. Count how much you're eating, not what you are eating. ये मैं पहले भी I think एक वीडियो में बोल चुका हूँ, मुझे काफी गंदा डेजा हुआ है. Don't see what you are eating, how much you are eating. I mean, obviously you also have to see what you're eating, because obviously for health issues हो सकते हैं क्योंकि you are eating unhealthy. But if you want to lose weight, it is more important to track how much you are eating. लोग अक्सर करते हैं ना कि पेट भर भर के ठूस लेते हैं, कहते हैं यार पेट में जगह रहेगी कुछ खा लेते हैं. वैसे नहीं, आप लोगों को लिजिट सर्वाइव करने के लिए खाना खाना पड़ता है. आई थिंक मैंने काफी ऐप कर लिए. नाउ लेट्स हेड टू द जिम.
something that I learned today, how important it is to train cardio. Because मैं पिछले एक साल में जो मैंने वेट लॉस जर्नी मेरी चल रही है इसके अंदर मैंने कार्डियो बिल्कुल भी एम्फसाइज नहीं किया. आई मेनली जस्ट ट्रेंड एंड अब जाकर इन द रियल वर्ल्ड व्हेन आई एम फेस विद सिचुएशन लाइक बॉक्सिंग फॉर एग्जांपल, अभी हम स्पार कर रहे थे तो आई फाउंड माई सेल्फ फेसिंग स्टैमिना इशूज. तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि कार्डियो डज इंडीड प्ले अ वाइटल रोल इन मेकिंग यू टफ, आई वुड से. बिकॉज ऑब्वियसली सही, आप डोले छोले बना लो, आप डंबल ट्रेनिंग, आप लाइक सही आपके पीआर्स बढ़ रहे हैं जिम के अंदर, आप एकदम 50 kg उठा रहे हो, अगले दिन 100 kg उठा रहे हो, बट फिर क्या फ़ायदा जब आप भाग नहीं सकते. आई मीन भाग सकता हूँ मैं भी बट लाइक स्टैमिना कम है. बट आई वुड से कि आप लोग डेफिनेटली कार्डियो एम्फसाइज करें अपनी रूटीन के अंदर. बिकॉज मुझे भी अब रियलाइज़ हो रहा है कि इट वॉज स्टूपिड ऑफ मी नॉट टू ट्रेन कार्डियो एंड जस्ट ट्रेन. सो या दैट्स वन थिंग You learned, I hope, from this vlog के cardio पे emphasis करें. आज मैंने खुद ये बात सीखी है. वही बात है ना यार कि कौन करे cardio? मुझे पर्सनली तो खुद पसंद नहीं है cardio, that's why I never did it. But it is really important. कभी कभी चीज़ें होती हैं आपको ज़िंदगी में लगेगा कि यार shit, I don't like doing this, I don't want to do this, but you have to do it. It's important. So I feel like cardio is one of those things, and I will definitely emphasize that into my daily routine from now on. और strength training के साथ साथ भी मैं थोड़ी सी cardio करूँगा. खैर इनफ यैपिंग, आज मैंने बहुत याप कर लिया आई थिंक, बट राइट नाउ वी गोना गो बैक होम, नहाएंगे धोएंगे. और आल्सो आई जस्ट नोटिस राइट नाउ कि डू आई लाइक फ्लेक्स माय बाइसेप्स अ लॉट व्हाइल टॉकिंग, आई डोंट नो, इट्स काइंड ऑफ लाइक आई एम सॉरी इफ इट्स अनोइंग, बट आदत सी है मुझको ऐसे जीने में. तो खैर लेट्स गो होम, गेट चेंज्ड एंड लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट ऑन द एजेंडा. एक ड्रिफ्ट हो जाए, नहीं बस करेगा टायर खत्म हो जाएंगे. खैर बंद करूं ताकि फिर ड्रिफ्ट करने की मुझे चुलना पड़े. तो या 213 एंड BMW, cuz BMW likes BMW, वो भी इलेक्ट्रिक BMW. शुक्र है वो सुन नहीं रहा मेरी बात, वहां खड़े. बट BMW यार वो भी इलेक्ट्रिक. हाँ सुना तो नहीं, अच्छा नहीं सुना नहीं उसने, अल्लाह का शुक्र है. बट या फोटो शूट चल रही है बॉयज की एंड वी प्रॉब्ली गोना बर्न सम टायर्स आई थिंक एंड लेट्स सी व्हाट गोस डाउन. I didn't get it by the way. You scored shirt. Yeah, 10% off. बोल यार मेरे लिए बनाया यार. क्या बनाना तेरा? उसको बोल मेरे साइज की शर्ट बनाया यार. ओ ये तो वीडियो गेम है अभी. डैम 0 हॉर्स पावर, कितनी स्लो गाड़ी. आओ जोड़ लो. पर्सन मत हो. सॉरी. क्रिस्टल देयर हियर एंड हियर एंड सिग्नस. एवरीथिंग शुड बी क्रिस्टल क्लियर एंड लाइफ. लाइफ ब्रोकन लाइफ. ओ जून भी आ गया. हट. तुम भी निकलो. तो जी आजी बॉयज नो शेरी बॉय इज अ फ्यू फॉलोअर्स अवे फ्रॉम हिटिंग 100k. जो बात है मुबारक हो इन एडवांस. इन एडवांस काइंड ऑफ क्रेजी. किसी ने आई मीन किसी ने सोचा होगा बट मैंने तो नहीं सोचा था कि ब्रो वुड हिट 100k. आई वाज सिटिंग एट 3000 फॉलोअर्स अ फ्यू मंथ्स बैक विद माय रेड मस्टैंग. मंथ्स बैक नहीं खैर इयर्स बैक, अ ईयर बैक. उस टाइम पे अपने आप को आईने में भी देखते थे, डिसअपॉइंट हो जाते हैं. ये था मस्टैंग बॉय and now I'm here flexing my biceps casually cuz it's about zyada okay sorry. We'll definitely plan something for 100k, kuch special karenge inshallah fans ke liye. Ya fir let's make a special limited amount of for 100k. Wohi plan hai, tabhi main bol nahi sakta video mein. Oh main tabhi bolunga. My bad. But khair ye part hume censor karna pada cuz smoking actually Told you guys my plan for 100k. So I definitely have something up the sleeves for 100k. So once we do hit that mark, you guys, this is a special surprise for you guys. So stay tuned for that. Filal, it was a pleasure meeting you, Mr. Yeah, brother. मैं इतना casual ऐसे हो रहा हूँ जैसे कि हम लोग कभी कभार मिलते हैं, वैसे कभी कभार. अच्छा guys, वैसे comment में बताएं शक्ल किसकी बेहतर है.
So let's give them our best poses. Ready? 3, 2, 1, go. Treat me like white teeth. Don't get me dirty. मेरे ख्याल से तू जीत जाएगा ब्रो, मेरी शक्ल पागल है ब्रो। नहीं ब्रो, ये शक्ल है। असल में गर्ल्स डिग फेशियल हेयर एंड आई कांट ग्रो शिट। क्या लगता है ब्रो तू? खास तौर पे तेरे यहाँ पे जो बर्थमार्क है ना। बर्थमार्क नहीं है, मेरी मासी ने मुझे काट दिया था बचपन में। मासी ने काट दिया था क्या मतलब? Excuse me. Literally, she literally cut me. Excuse me. Not in that way, bro. Brother, this is very dark. Bro. My mate cut me. Like this. Hey. इससे हुआ क्या मुझे पता इससे हुआ क्या? आप गली में आए, आपने उड़ंग पा किया, उसके बाद आप निकल गए। Honestly boys, this is a topic, eventually मुझे इस पे बात करनी ही थी, because it's a bit annoying. अक्सर मैं देखता हूँ ये 204 owners को, like I love the 204, बहुत अच्छी गाड़ी है. I think in its money is one of the best cars out there. One of the best cars I've owned. 100% I agree, but आजकल की मार्केट में जो लोग ओन कर रहे हैं गाड़ियाँ, not all of them, but some of them are like, I hate to say this, but dickheads. Because वो देखते हैं कि ओ यहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई है मर्सिडीज, ओ यहाँ पे बीएमडब्ल्यू खड़ी है, चल रेव करता हूँ, हंग टट। अब हम जून के बाहर खड़े पब्लिक स्पेस में, अब हम लोग यहाँ बैठे हैं अपनी ऑल लोग इलेक्ट्रिक गाड़ी है, ये भी रम टट टट नहीं कर सकती, जो लोग बैठे उनको पता है कि हमारे कोई दोस्त होगा। हाँ, तो इट्स अ बिट एम्बैरेसिंग एंड आई फील लाइक कि कार कम्युनिटी में इस तरह के ही लोग नाम खराब करते हैं बाकियों का। अच्छा, तो क्या कर रहे हो आप? Nothing, bro, I was just cycling. अच्छा, trying to see some good cars. Good car, oh shit, what do you think about this car? Good for luxury. अच्छा, would you like to say something to the vlog? ये YouTube पे हम लोग डाल रहे हैं, अपना नाम बता दो या कोई shout out किसी दोस्त को देना चाहो। जून के बाहर यहाँ पे गंदी गंदी हरकतें, मजाक कर रहा हूँ, ब्रो वाज आउट स्पॉटिंग कार्स, आई रिस्पेक्ट द हसल, और बस ड्राइव सेफ ब्रो, फिर मिलते हैं, लवली मीटिंग यू ब्रो। हेलो मामा।